गुड आफ्टरनून टू ऑल, गुड आफ्टरनून टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, हमें ज्वाइन करने के लिए. गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर IHF फैमिली मेंबर्स. तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारे मोस्ट बिलवर्ड मास्टर डॉक्टर अशोक कुमार महंती सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. तो इस मेगा सेलिब्रेशन में आप सभी लोगों का खूब पार्टिसिपेशन हमें मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है. उसके लिए हमारी IHF टीम आपकी आभारी है. तो जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर सेशन ले रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर. और बहुत अच्छे अच्छे सेशन हो रहे हैं. इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे मेंटर, रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर, उन्होंने एक केस प्रेजेंट किया है और एक वंडरफुल मेडिसिन आज हमें सीखने को मिलेगी. तो मैं हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर को इनवाइट करता हूँ. वेलकम सर. नमस्ते प्रवीण सर, नमस्ते दिलीप सर. जी नमस्ते सर. नमस्ते सर. नमस्ते. गुड आफ्टरनून सर. जी वेरी गुड आफ्टरनून सर. अभी डॉक्टर्स जुड़ रहे हैं. जी सर. तब तक केस को नरेट कर देते हैं. कोई भी हमारे एक मेंबर प्लीज केस को नरेट करेंगे. डॉक्टर सारिका मेहता मैम आप कीजिए, सुवर्णा पाटिल मैम है, जो भी हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर कर सकते हैं, मेंबर कर सकते हैं. सर कोई. हेलो सर. हाँ जी. पहले केस स्टडी करेंगे सर, इसके बाद कोई डॉक्टर हैं जो केस पढ़ेंगे. जी सर. दिस इज द केस ऑफ मेल पर्सन एज 40 इयर्स, कंप्लेंट ऑफ बैक पेन, नी पेन एंड एलर्जी राइनाइटिस सिंस 5 इयर्स, टेकन मेनी ट्रीटमेंट बट नॉट क्योर. This patient come to me 1 year before, referenced by my patients. IPR में 3 brother, patient is elder brother and 4 sister. Mother, father, uncle, auntie और उनके बच्चे. अभी वो 10 साल और 12 साल के हैं. Father grocery store but earning less amount. Brother अभी उन लोगों का मैरिज हुआ है, सब पढ़ रहे हैं. और अभी 2 भाई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं टीचिंग के लिए, 1 भाई कुछ नहीं करता है. अंकल भी साथ में है, वो खेती का काम देखते हैं. ये बंदा बिजनेस करता है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके छोड़ दिया था, आगे कैरी नहीं कर पाया. इसने 4 सिस्टर की मैरिज करवाई और भाइयों को भी पढ़ाया, अंकल के बच्चों को भी पढ़ाना और उनका भी देखना, क्योंकि अंकल खेती बाड़ी देखते हैं. And he is not educated. लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब इसका बिजनेस सही से नहीं चल रहा है. 5 साल से नोटबंदी के बाद से ही इसका बिजनेस स्लो हो गया है. अब भाई लोग अपना अपना देखते हैं, फैमिली को मेंटेन करने के लिए जो भी पैसा लगता है वो यही लगाता है, बाकी फादर करते हैं. बट मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका ही रहता है. इसको पैसे की बहुत टेंशन रहती है. फिर सर ने बोला, भाई बहुत कर लिया, अब ऐसा हो रहा है तो अलग हो जाओ. जब तू देख रहा है तेरा भाई लोग कोई हेल्प नहीं कर रहा है आगे आके, तो वो जो टीचिंग से पैसा कमाते हैं वो तो रखते हैं, बट तेरा सारा खर्चा तो हो रहा है. तेरे भी बच्चे हैं, उनका भी देखो. अब अंकल
अंकल है भी कर रहे हैं, भाइयों का भी कर रहे हैं, सबकी जिम्मेदारी छोड़ो, अंकल खेती करके चला लेंगे। पेशेंट ने बोला, नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकता, मुझे सबको लेके चलना है। फैमिली जब सब में साथ में रहते हैं तो एक एक ताकत रहती है, एक को सब तोड़ देंगे लेकिन 10 को कोई भी नहीं तोड़ सकते हैं। अभी किसी तरह फैमिली को बांध के रखना होगा। मैं चाहूंगा तो अलग हो सकते हैं, बट मेरा भाई है, फैमिली है, उनसे टूटकर अलग मैं नहीं रह सकता। कई बार मन में आता है बोलूं, बट मैं नहीं बोलता हूँ, गुस्सा सारा मन में ही रह जाता है। इन सबको हमने अपने बच्चे की तरह पाला है, समय आएगा तो समझ जाएंगे। पेशेंट इज वेरी माइल्ड, अफेक्शनेट, वेरी एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग। सर ने 200 पोटेंस दिया था, बैक पेन गोन एंड एलर्जी राइनाइटिस 50% बेटर हो गया, बट नी पेन अभी भी है। आफ्टर 1 मंथ 1 एम दिया सर ने, उसके बाद नी पेन, बैक पेन, एलर्जिक राइनाइटिस सभी क्योर हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम। जी अपना एनालिसिस बताइए। सर ये केस सुनने के बाद मतलब ऐसा लगा था कि ये ऐसा पर्सन है जिसको फैमिली के साथ बंधन, मतलब एक एकजुट फैमिली के साथ एकजुट रहना, उसको फैमिली से अलग नहीं होना, मतलब फैमिली के साथ एकता है तो उसमें उसकी उसकी ताकत है। अगर वो वहां से निकल गया, अलग हो गया, तो वो टूट जाएगा। तो उसका मेन कंसर्न यही है, और उसकी जो एज अ पर्सनैलिटी, वो इसकी वजह से वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी घर में सबका कर रहा है। तो सर ने उसको बोल दिया कि भाई तू छोड़ दे, वो लोग अपना अपना करेंगे, तेरा भाई भी कर रहा है, अंकल भी कर लेंगे, पर वो नहीं, वो मना कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं, अगर अकेले साथ में रहते हैं तो उनकी एकता में उनकी ताकत है, साथ में उनकी ताकत है, लेकिन अगर वो निकल गए, अलग हो गए, तो वो टूट जाएगा। तो ये उसका मेन कंसर्न है। फिर जो साइड में भाई के भाई ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसकी वजह से उसको मनी की एंजाइटी भी हो रही है, तो ये भी है, लेकिन मेन कंसर्न उसका यही है कि साथ में रहना है। तो ये जब पढ़ के केस में ऐसे काली का फील आ रहा था, काली ग्रुप का, कि उनको भी सब साथ में रहना होता, लेकिन उनका जो रिएक्शन होता है कि जिसके साथ वो लोग मतलब रहते हैं, वो फिर उसके प्रति फिर एक जगह जाके उसको एग्रेशन या फिर गुस्सा भी आता है, लेकिन इस केस में एंगर है पर वो दबा रहा, रिएक्ट नहीं कर रहा है। और एक रूब्रिक ये भी देखा था कि कंपनी डिजायर फॉर फैमिली, तो उसमें एड्स है मेडिसिन, लेकिन मैं समझ में नहीं आ रहा, उस मेडिसिन का इतना आइडिया नहीं है। तो फिर पूरा रेपर्टराइज किया, तो फिर कैलकेरिया और ये सब मेडिसिन आ रही है, लेकिन पूरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है सर केस में। जी मैम। आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है मैम। थैंक यू सर। आपके देखा है मैंने, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जो अभी भी आप बता रहे हैं कि काली ग्रुप के बारे में, कलकेरिया ग्रुप के बारे में, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आप। सर मेन प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन करने नहीं हो रहा मुझे, हर एक केस में ऐसा ही होता है। देखो कल भी ऐसा ही था, फॉस्फरस सल्फर पर पता नहीं चला, फिर वो आपने समझाया फिर पता चलता है, पर डायरेक्टली पता नहीं चलता है कि हाँ ये सल्फर ही है, ये फॉस्फरस ही है। डिफरेंशिएशन में बहुत प्रॉब्लम है। आ जाएगा मैम, एक्सपीरियंस से आता है, वो भी आ जाएगा। सर आप कैमरा ऑन कीजिए ना अपना।
जी वेलकम सर। थैंक यू परवीन सर। और कोई शेयर करेंगे या डिस्क्लोज कर दूं? जी बोलिए फ्रेंड। शोभा मैम आप बताइए, रेशमा मैम, वंदना मैम, पूजा सर हैं, डॉक्टर पूजा जी को बुलाइए, पूजा डॉक्टर मैम। मनोज सर हैं। जी जी हाँ पूजा मैम है, पूजा मैम आप ऐड कीजिए। सब हाँ। स्टार हैं। सर मैंने जी पहले जी तो गलत किया था एनालिसिस, लेकिन केस को पढ़ने के अच्छी तरह से केस को पढ़ने के बाद लैग डिफ्लोरेटम पे मैं आ गई हूँ। जो इकट्ठा रहना या फिर समुदाय में रहने की कोशिश होती है उसकी, जो स्कीम मिल्क जो काऊ का होता है ना, उससे ये बनाई हुई मेडिसिन है। तो मैं फाइनल मेरा ये है। लेकिन लेग डेफ्लोरेटम का थीम क्या है? आपने क्यों, कैसे गए आप वहां पर, कैसे पहुंचे आप वहां पर? जैसे कि काऊ होती है ना, वो सबको दूध देती है, वो कुछ ऐसा नहीं समझती कि ये खुद के बच्चे भी हो तो भी और दूसरों के हो तो भी, मतलब खुद के बच्चों के लिए भी दूध होता है और इंसानों के लिए भी होता है। बून टू ह्यूमैनिटी बोलते हैं ना, तो उस टाइप का मुझे ये इंसान लगा। लेकिन आपको ये इंसान लगा, ये गाय माता है, हमने लेग डेफ्लोरेटम बहुत अच्छे से पढ़ाया है और मैंने इसको पेड सेशन में भी लिया था और जो बेसिक ग्रुप चलता है वहां भी हमने इसको बहुत अच्छे से बताया था कि लेग डेफ्लोरेटम क्या है। सो यहाँ पर क्या आपको लेग डेफ्लोरेटम का फील आया? क्या आपको दिल ने जवाब दिया कि ये लेग डेफ्लोरेटम है? सर आप तो इस तरह पूछ रहे हैं। मुझे तो ऐसा फील आ गया है कि वो सबका सोचता है, मतलब वो कह रहा है कि इकट्ठा रहना चाहिए और जो खुद का जो मेहनत का है वो दूसरों के लिए भी रख रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है समय के साथ सबको पता चल जाएगा और सबके लिए वो अपना ये बांट रहा है। देखेंगे अब आप क्या कहते हैं। सबसे पहले एक चीज देखो कि ये जो आपका लेग डेफ्लोरेटम है ये बॉविडी ग्रुप से है और बॉविडी ग्रुप जो है ना बहुत ज्यादा माइल्ड है, बहुत ज्यादा डॉकाइल है, बहुत ज्यादा सबमिशिव है, ठीक है। इसको अपना बहुत ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट ग्रुप नहीं है ये। इसमें कौन कौन सी रेमेडी है? लेग ओविनम है, लेग डेफ है, लेग कैप्रिनम है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लेग सीप वाली रेमेडी है इसके अंदर, भेड़ जिसको बोलते हैं ना वो सब रेमेडी पड़ी हुई है, ठीक है। तो लेग स्वीनम है, लेग ओविनम है, इस तरह की रेमेडी है, लेग बुफोलो है। तो अभी जो है ना थोड़ा सा इसको समझिए कि लेग डेफ्लोरेटम जो है, जो माइल्डनेस है, जो हम लोग बोलते हैं ना कि बर्दाश्त करने वाली गाय माता है, यहाँ पर वो फीलिंग नहीं आता है। ये बंदा कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है, कितना एम्बिशियस बंदा है, कितना हार्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बंदा है, तो ये लेग डेफ्लोरेटम कैसे होगा? पर पहले तो हमने लैक लियो बताया था, जिस तरह की वो हार्ड वर्किंग, जिस तरह शेर का वो छोटा बच्चा होता है। हाँ आप लैक लियो से पहुंच के आप लेग डेथ में गए। आप लेग लियो के अगल बगल में ढूंढते ना तो आपको रेमेडी मिल जाता, लेकिन आपने शेर से सीधे गाय में आ गए।
अच्छा ठीक है, तो देखते हैं सर, लैक में घुस तो गए ना, कोई बात नहीं। चलो आगे चलो, लेकिन ये लैक मेमल्स रेमेडी है, आपने बहुत अच्छा ये चीज समझा है, ये मेमल्स रेमेडी है। ओके सर, देखते हैं। अभी तक ग्रुप में रेमेडी नहीं आया है, सो मुझे लगता है कि आप लोग जिसको शेयर करना है अंडरस्टैंडिंग केस के बारे में, रेमेडी तो नहीं आया लेकिन केस के बारे में अगर बताना है अपनी अंडरस्टैंडिंग तो शेयर करिए, नहीं तो मैं डिस्क्लोज करूंगा। सर ये ग्रुप में रहना और ये मेमल्स की कॉमन थीम ही हो गई कि ग्रुप में रहना, ग्रुप के साथ पकड़ के चलना, जिस तरह एक साइड मिनरल में काली ग्रुप है, उस तरीके से एनिमल में ये मेमल्स में ये थीम रन होती है। सबसे सबसे पहले सारिका बहन, काली ग्रुप जो है वो मिनरल रेमेडी है, और आपका ये जो मेमल्स है, ये जो मेमल्स है ये आपका एनिमल ग्रुप है, तो मिनरल्स मिनरल्स और एनिमल दोनों में समांतर तो नहीं है ना? नहीं सर बिल्कुल। ठीक है, तो काली ग्रुप भी है ना जो मिनरल है, वो अपना खुद के बारे में बात करता है ना, उसको प्रॉब्लम खुद के साथ रहता है। ठीक है, तो वो मिनरल ग्रुप है मतलब उसका प्रॉब्लम खुद के साथ है, वो लैकिंग एंड लूजिंग का बात करता है। यहां पर आप लोगों को कहीं से लगा कि ये मिनरल रेमेडी है? नहीं सर वो समझ में नहीं आया, पर वो जो थीम थी ना कि भाई साथ में रहना है, वो मैं बता रही हूँ कि अगर मिनरल में ये थीम रन करती है वो काली ग्रुप में करती है, और एनिमल में करती है तो मेमल्स के लिए करती है, खाली बस ये बता रही हूँ। ठीक है, आप ठीक बोल है। रहे हो तो सबको समझ में आ रहा है कि हाँ कि भाई मिनरल में लैकिंग और लूजिंग, हाँ वो समझ में आ रहा है। हेलो सर। जी बोलिए। हेलो, हाँ सर, ये केस को पढ़ के यही लगा कि ये मैमल रेमेडी है, बिकॉज ये ग्रुप में रहना पसंद करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा रही है, साथ में माइल्ड है, उसको अफेक्ट भी नहीं हो रहा है कि कोई उसका कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी उसको अफेक्ट नहीं कर रहा है, उसका माइंड क्लियर है और सबके लिए कर रहा है, और उसने ये बात बोल दिया कि टाइम होगा तो मुझे उसका रिटर्न जो होगा वो मिलेगा, लेकिन साथ में रहना है सबको और हार्मोनियस वे में रहना है। हेलो तो प्रवीण लैक सर, तो कैमरा लगे ऑन कर लीजिएगा। हेलो प्रवीण सर, सर मुझे 2 मिनट लगेंगे, मैं खाना खा रहा हूँ। ओके सर, ओके, आप दो मिनट कीजिए बस। जी जी बताइए। हाँ सर वही बताना था कि ग्रुप में रहना चाह रहा है, सबको साथ लेके चलना चाह रहा है और साथ ही सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है, और उसको ये फील भी नहीं आ रहा है कि लाइक उसको कोई यूज कर रहा है या जो नेगेटिव एक आ जाता है, ऐसा कोई फील नहीं, उसको अच्छा लग रहा है सबके लिए करना, और उसने टाइम पे छोड़ दिया है कि टाइम आएगा तो जो भी होगा, क्योंकि अभी उसका मेन कंसर्न ये आ रहा है सर कि उसका बिजनेस नहीं हो पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी क्षमता ये हो रही है, तो अब उसको साथ लेके चलना और हेल्प करना वो थोड़ा उसके लिए एक बॉदरिंग पॉइंट अभी आया है, ये फील लगा सर। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि ये रेमेडी में मेमल्स का फील आ गया, ये बात तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रेमेडी मेमल्स ग्रुप से ही है। मैंने इसको शुरू में इसको कॉमन मैं सिंपल सिंपल रूब्रिक से गया था,
तो जो रेमेडी दिया था वो रेमेडी वर्क नहीं किया था, तो इसको फिर बहुत अच्छे से समझने के बाद मैं इस रेमेडी तक पहुंच पाया था। एक और बात बता दूं, ये केस जब मेरा क्रेक हुआ ना, तो सबसे पहले मैं ये केस गुरुजी को शेयर किया था, डॉक्टर महेश चंद्रा सर को, और उन्होंने फिर इस केस में बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि ये केस में कैसे कैसे जो है, उन्होंने पूरा रेट्रो स्टडी करके हमें सारा बताए थे कि इसमें कैसे कैसे रूब्रिक आते हैं ये, और इसमें क्या क्या पॉइंट जो मैंने छोड़ा था वो सारे सर ने मुझे बताए थे। ग्रेटिट्यूड डॉक्टर महेश चंद्र सर, उन्होंने जो मुझे बताया है, जो सिखाया है, ये सारा कुछ उन्हीं को है, उन्हीं का है, जिनके बदौलत मैं आज आप लोगों को शेयर कर पा रहा हूँ। तो ये जो नॉलेज है ये हमारा नॉलेज नहीं है, ये डॉक्टर महेश चंद्रा सर का है, उनसे ही सीख करके हमने ये केस क्रैक किया है। अगर मैं सर से अगर ये चीजें नहीं सीखी रहती तो शायद मैं ये केस क्रैक नहीं कर पाता। धन्यवाद सर, और आज मोहंती सर का, कल मोहंती सर का बर्थडे है और हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेशन मना रहे हैं, तो मुझे लगा था कि आज कुछ नया ऐसा प्रेजेंट होना चाहिए जो सर को ग्रेटिट्यूड हो। तो यहाँ पर एक चीज तो कंफर्म हो गया कि मेमल्स का ये रेमेडी है। अभी मैं एक एक क्वेश्चन करता हूँ कि मेमल्स का थीम क्या है, कौन बताएगा, बताओ। मेमल्स का थीम क्या है? सर थोड़ा सा पता है, हायर की सुपीरियरिटी, फिर अपनी टेरिटरी में रहना, फिर ये मैटरनल इंस्टिंक्ट है इसमें, फिर ग्रुपिज्म, फिर प्रे और प्रिडेटर में फिर अलग अलग इस तरीके से आएंगे, पर ये कॉमन थीम है उसमें। और बताइए, हेलो, कैसी थी बताइए। जी भाई, मामल्स में मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैगरेटेड रहता है और ये लोग ग्रुप में रहना चाहते हैं, ग्रुप में खुद को सेक्योर महसूस करते हैं और इनमें हायरार्की का इशू रहता है, सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का, अच्छा, ये है भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बताइए, बच्चों को लेकर चिंता रहती है, और जैसे कि उनका पोषण कैसे करेंगे और वॉर्म चाहिए उनको, इकट्ठा रहने की वो कोशिश करते हैं, सबके साथ रहना रहना चाहते हैं, और कोई हम पे मतलब हो सकता है अटैक ना करे इस तरह। यस, वेरी गुड। और सर ज्यादा सो से ज्यादा वो अगर फीमेल हो तो माँ का प्यार जिस तरह जितना मैं दे दूँ उतना वो रहता है, और एक तरह की गर्माहट, पोषण और अपने बच्चों को लेकर चिंता रहती है उसको। यस यस, आप लोगों ने देखे हो, शेर हो या गाय हो या बुफेलो हो या किसी भी ग्रुप जो मेमल्स का है, उसमें आप देखेंगे ना, वो अपने बच्चों को बहुत तब तक प्रोटेक्ट करते हैं जब तक उनके बच्चे बड़े न हो जाए। वो बच्चों को इजीली छोड़ते नहीं है, बच्चों को पूरा, उसको इंडिपेंडेंट जब तक नहीं बन जाते तब
तब तक उनको प्रोटेक्शन देते हैं वो, तब तक उनको नर्चरिंग करते हैं वो, ठीक है। लेकिन ये क्वालिटी मैमल्स के अलावा किसी दूसरे में पाई जाती है क्या, वो बताओ। सबसे ज्यादा ये क्वालिटी मैमल्स के अंदर पाया जाता है। मैमल्स अपने बच्चों को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके बच्चे इंडिपेंडेंट ना हो जाए, ठीक है। चाहे गाय हो, काऊ हो, गोट हो, सीप हो, ये जितने भी रेमेडी है, चाहे एलिफेंट हो, चाहे लेक लियो हो, शेर भी जो है अपने बच्चों को तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, ठीक है। तो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट होने तक ये नर्चरिंग करते हैं, उनकी केयर करते हैं। इसीलिए जितने मैमल्स हैं उसमें मैटरनल इंस्टिंक्ट एग्जैजरेटेड का फील हमें आता है, मातृत्व का फील आता है, ठीक है। मैमल्स ग्रुप के अंदर वो ग्रुप में रहना सिक्योर फील करते हैं, अगर वो विदाउट ग्रुप के हो जाएंगे तो वहां पर वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं। लेक लियो हो गया, लेक लियो हो गया, लेक इक्विनम हो गया, ठीक है, आपका लेक असाइनम हो गया, ये जितनी रेमेडी है सब ग्रुप में रहती है। ग्रुप में रहने में ही इसको अपना भला महसूस होता है, ठीक है। तो ये बॉन्डिंग में रहना पसंद करते हैं, एक तो ये है। उसके बाद हायरार्की का इशू आता है। हायरार्की में क्या होता है, प्रे एंड प्रेडेटर, ठीक है। अगर आप काऊ हो तो सामने वाला जानवर कहीं ना मुझे मार दे, सामने वाला जानवर कहीं ना मुझे हार्म कर दे, उसको दूसरों से डर लगा रहता है कि सामने वाला अटैक ना कर दे, सामने वाला हमला ना कर दे, सामने वाला मुझे नुकसान ना कर दे। तो जितने भी एनिमल रेमेडी है ना, उसको बाहर वालों के साथ प्रॉब्लम है, बाहर वाले उसको दिक्कत दे रहे हैं, बाहर वाले उसको कष्ट दे रहे हैं। सो मैमल्स रेमेडी ऐसा फील करते हैं। सो होता क्या है, कमजोर कमजोर जो है हमेशा अपने से ऊपर वालों से डरता है, और यही चीज श्रृंखला जो है कंटिन्यू चल रहा है। शेर से कौन लोग डरेगा, लोमड़ी से कौन लोग डरेगा, यही यही जो बिल्ली है उससे जो डरने वाले लोग रहे वो नीचे रहेंगे, आपका जो लेक लुपिनम है उससे डरने वाले लोग नीचे रहेंगे। तो सबके ऊपर एक बार एक श्रृंखला लगी हुई है, समझ रहे हैं। मैं हो सकता है क्योंकि ये थीम हमको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाया है, सो शायद मैं आप लोगों को उतना अच्छे से ना एक्सप्लेन कर पाऊं, बट मुझे जितना समझ है मैं उतना तो आप लोगों को बता ही सकता हूं। सो आप लोगों को समझ में आ रहा है। सर आप बहुत बढ़िया बता रहे हैं, वेरी नाइस। यस सर, यस सर, ठीक है। तो एक ये इशू रहता है, तो एक मैटरनल इंस्टिंक्ट हो गया, एक ग्रुप हो गया, एक हायरार्की इशू हो गया, ठीक है। ये जो लोग रहेंगे ना बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे, बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड रहेंगे, ठीक है। तो ये मैमल्स की क्वालिटी है। अब चलते हैं कि इसमें मैमल्स का तो फील आया, ठीक है, किसको ग्रुप में रहना है। अब इस बंदे के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या आया, आप केस में आ जाओ, केस में ये तो फील आ गया ना। अब देखो इस बंदे का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील क्या आया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फील आया ना। हाँ सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। मैमल के बारे में मैं ऐड करूं सर थोड़ा। जी सर बिल्कुल जी। तो इसमें ग्रुपिज्म होता है, नीड टू बिलोंग टू ग्रुप, ये चीज होती है, ठीक है। तो कंफ्लिक्ट जो होता है डिपेंडेंट वर्सेस इंडिपेंडेंट का होता है, ठीक है, और अपने ग्रुप को खोने का फियर रहता है, ठीक है, ग्रुप से बाहर निकाले जाने का फियर रहता है, ठीक है। रिलेशनशिप्स की इम्पोर्टेंस होती है,
रिसीविंग और गिविंग होता है, लेना और देना होता है। हायरार्की का इशू बता ही दिया, ठीक है, पावर अथॉरिटी, ठीक है, और पावर एंड अथॉरिटी इज प्रोपोर्शनल टू डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैटरनल इंस्टिंक्ट होता है, मदर चाइल्ड बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या रहते हैं, जैसे कि मदर एंड चाइल्ड का रिलेशनशिप हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, अ नीड टू स्टे इन ग्रुप, म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, ठीक है। और जो इसका पेशेंट रहता है वो अपनी इस नीड, जो डिपेंडेंसी की नीड रहती है ग्रुप के ऊपर, ठीक है, इसको शो करेगा। वो अकेला रहना, अकेले रहने के बारे में सोच भी नहीं पाता है। तो यही हर्ड हो गया, ग्रुप हो गया, कम्युनिटी हो गई, सोसाइटी हो गई, फ्रेंड्स हो गया, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग हो गया, अनसेफ फीलिंग हो गया, इनसिक्योरिटी हो गई, फोरसेकन हो गया। तो जो फिर उसके नॉर्म्स रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, और फिर एक कंफ्लिक्ट होता है अपनी जो डिजायर्स हैं और जो उस ग्रुप के सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ठीक है। और फिर सेकंड इशू जो आता है वो डिपेंडेंट वेज इंडिपेंडेंट का आता है। और फिर सेक्रीफाइस भी होता है, ग्रुप में बने रहने के लिए सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है चीजों का। और अगर फिर हायरार्की रहती है, और फिर क्या, फिर ये मैटरनल इंस्टिंक्ट है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली पाया जाता है, ठीक है। और फिर ये सर्वाइवल का इशू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। यस सर, ये सारे पॉइंट जो है ना, जो अभी बताए ना, ये सारे पॉइंट वहीं से निकल के आ रहे हैं। अभी ये जो है ना, सर ने उसको बहुत बारीकी से अलग अलग पार्ट में जो है वो बताए हैं, लेकिन ये सारा पार्ट वहीं से निकल के आ रहा है। ग्रुप इसकी मेन कड़ी है, ग्रुप में इसको रहना है, ग्रुप से अलग नहीं होना है, तो ये सब वहीं से निकल के आ रहा है। तो अभी इस बंदे के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो था वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के। तो मैंने ये चीज देखा कि इतनी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले सकता है। सो मैंने कंप्लीट के अंदर रूब्रिक चेक किया, और रूब्रिक जब चेक किया रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, तो मैं देख रहा था तो मुझे एक रूब्रिक दिखी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग फैमिली टूवर्ड। आप लोग निकालो रूब्रिक, जिसके पास रेपर्टरी है, देखो उसमें कौन कौन सी रेमेडी है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखो आप सब, देखो कितनी रेमेडी है, बूटियो है, और ये रेमेडी का क्या नाम है, चोचलेरिया, कोकलेरिया, एक मिनट, सब रेयर रेयर रेमेडी इसमें है। बूटियो जमाइकन है, डामा डामा है, नेट्रम सल्फ है, यूरेनियम नाइट्रिकम है, जेंथोजाइलम है, एंड कोचिलेरिया एरो आर्मो आर्मोरिकिया। यार नाम भी इसको पढ़ना पड़ेगा सही से। आप लोगों ने देखा इसमें 6 रेमेडी है इसमें। सर कौन सी रेमेडी, कंप्लीट कंप्लीट, तीन रेमेडी दिखा रही है सर। ठीक है, इसमें से बताओ कौन सी रेमेडी होगी।
आप लोग नहीं देख पाए क्या? हाँ हम खोजते रहे हमारे लैपटॉप में, लेकिन वो कंप्लीट में था, इसलिए आपकी बातों पे भी ध्यान नहीं दिया। आप प्लीज शेयर करेंगे ग्रुप में तो वो देख के। ग्रुप में डाला है, देखो वो रूब्रिक डाला है ग्रुप में। एक और रूब्रिक दिखाता हूँ, देखो देखो रूब्रिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी वांट्स टू कीप ग्रुप टुगेदर, जिसमें लैक लियो और डामा डामा है। देखिए आप सब, रिस्पॉन्सिबिलिटी वांट्स टू कीप ग्रुप टुगेदर, सर ये डामा डामा ही हो सकता है, ये डामा डामा है क्योंकि आपने लाइक ली हो तो उसको तो रिजेक्ट ही कर दिया। ये रेमेडी डामा डामा है, इसको डामा डामा दिया था मैंने। और फिर ये रेमेडी सर पढ़ाए भी थे, तो फिर हमने उसको वहां से फिर स्टडी किया, तो फिर वो सारी चीजें कनेक्ट हो गया और सारा कनेक्ट हो करके फिर इसको मैंने डामा डामा प्रिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो अभी जो है इसका आप लोगों को एनालिसिस बताता हूं कि हमने यहाँ इस प्रकार से डामा डामा पहुंचा था, जैसे मैंने वो आप लोगों को दिखाया। अब इसको इसको अभी यहीं पर स्टॉप करके दूसरा केस देख लें। यस सर, तो फिर जर्नी करने में अच्छा रहेगा ना, राइट? जी 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 सर, कंटिन्यू कीजिए। यस सर, ठीक है। सो अभी अभी एक चीज देखो कि हम लोग जो है ना, बहुत ऐसी रेमेडी है जिसका नाम भी नहीं सुने हैं, ठीक है? बहुत ऐसी रेमेडी है जिसका हम लोग मतलब सही से जानते नहीं है उसको, लेकिन हम लोग जब स्टडी करते हैं या बहुत ज्यादा उस पे काम करते हैं तो हम लोग जो है ना कभी कभी अच्छे नतीजे पे पहुंच जाते हैं। जैसे इस पे बहुत ज्यादा हमने डीप स्टडी किया, इसलिए हमने यहाँ तक पहुंच पाया। और मुझे भी उतना थीम का नॉलेज नहीं था उतना ना, अभी भी मैं ज्यादातर रूब्रिक से ही अंडरस्टैंड करता हूँ, लेकिन जो भी मुझे थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग था उसके अनुसार से जो फील आया उस पे से मैंने इसको खोजता गया और मैं यहाँ तक पहुंचा और ये रेमेडी को मैंने क्रैक किया। सो उसके बाद सर ने मुझे काफी इसको अच्छे से बताए। सर इसके बारे में जितना कुछ बताए वो आज मैं आप लोगों को यहाँ शेयर करूंगा और इसका सारा श्रेय डॉक्टर महेश चंद्र सर को जाएगा। तो प्लीज कोई सेकेंड केस को रीड कर दीजिए। हेलो हेलो, ग्रुप में डाला है? हाँ हाँ डाला है ना। हाँ, एक तो ये मेल पेशेंट का केस है, इससे पहले डाला है आपने? नहीं नहीं उसी के नीचे डाला है। अच्छा ओके। हेलो डॉक्टर पूजा मैम। हाँ हाँ मैम, मैं कर देता हूँ। कविता बहन, 22 इयर्स एज, दिस इज, हाँ मैं आप कर दीजिए रीड। ठीक है, नेम कविता बहन, 22 इयर्स एज, दिस इज अ केस ऑफ गर्ल एज अबाउट 22 इयर्स सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट ट्यूमर राइट साइड अलोंग विथ पेन बर्निंग एंड वेट लॉस 10 kg। सिक्स सिस्टर एंड यंगर वन ब्रदर, फादर एंड मदर।
पेशेंट थ्री नंबर सिस्टर ट्यूशन लेती है और मंथ 5,000 मंथ कमाती है एंड एल्डर सिस्टर घर पर ट्यूशन लेती है, फादर फार्मर्स है और एंड मदर हाउसवाइफ है हिस्ट्री। ये पेशेंट पहले जब एट में थी तब इसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था, खेलना जुड़ना ज्यादा था, सो इसके फादर ने इसको हॉस्टल में डाल दिया था। इसके पिता 7 डे पर मिलते थे लेकिन इसको घर नहीं ले जाते थे। विपिन इसका बहुत टेंशन रहता था, इसको परिवार के साथ रहना अच्छा लगता था लेकिन इसको अकेले रहना पड़ता था, इससे दुखी होती थी। फिर इसका सिटी में स्टडी के लिए आना हुआ, तब इसकी एल्डर बहन इसके साथ थी तो वो पार्ट टाइम जॉब करती और सब खर्चा हैंडल करती थी। लेकिन 2 साल से इसकी थर्ड सिस्टर और आ गई तो एल्डर सिस्टर घर चली गई, अब यहाँ का सारा खर्चा ये उठाती है, रूम रेंट एंड अदर थिंग्स। इसकी सेकंड सिस्टर है, उसका लव अफेयर है तो ज्यादा खर्चा करती है और सेकंड बहन है और वो भी खर्चा करती है ज्यादा, इससे इसको मैनेज करने में दिक्कत होती है। ज्यादा बोलने इसके सेकंड सिस्टर नॉइज करती है, चीखती है जिससे बाहर आवाज जाती है और इसके चलते ये बोलती नहीं है ताकि झगड़ा ना हो और सब शांत रहे। घर पर भी नहीं बोलती कि पिताजी को टेंशन होगा कि वहां कैसे पढ़ती है। इसके एल्डर बहन बोला कि तुझे मनी प्रॉब्लम हो तो बोलना, लेकिन एक किए जा रही है बोलती नहीं है, ज्यादा तो गुस्सा पी जाती हूँ बोलती नहीं, काम कम ही निकालती हूँ, जब ज्यादा रोना आता है तो पेन बढ़ जाता है। ये सब बोलते वक्त विपिन था लेकिन चेहरे पर हंसी भी ला रही थी। मैं किसी को ज्यादा बोल देती तो फिर सोचने लग जाती क्यों बोला नहीं, बोलना चाहिए था, गिल्ट फीलिंग आती है। मैं सोचती हूँ चल जाने दे, उसका मन दुखी हो जाएगा बोलने से, तो मैं नहीं बोलती हूँ। जब से पता चला कि ये कैंसर हो जाता है तब से बहुत चिंता होती है, हम कैसे मैनेज करेंगे, लोड बढ़ जाएगा, उतना पैसा भी नहीं, कैसे मैनेज करेंगे, मर भी सकते हैं, इसलिए इसका भी टेंशन है। अभी खुद कमाती है और पढ़ती है और बहन को भी खर्चा देती है, अब लगता है अगर ये टेंशन से हो रहा है तो अब बोलेंगे कि हमको टेंशन से हो रहा है। हम नहीं जानते थे कि ये टेंशन से होता है, नहीं तो नहीं लेते टेंशन। दिस इज द केस सर। जी बताइए इसकी क्या रेमेडी है। इसका क्या अंडरस्टैंडिंग है बताइए। ये लैग डिफ्लोरेटम लग रही है। सब लोग शेयर करेंगे 5 मिनट, नहीं तो मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। 5 मिनट आप लोग शेयर करिए भाई, आपने ये वेबिनार में ली हुई है, पेड वेबिनार में, इसलिए जो लोग वहां के हैं वो तो बोलेंगे नहीं क्योंकि सब पता है, तो बेटर है जो लोग वेबिनार के अलावा वाले वो बोले। वाओ ग्रेट सीमा जी, आपको बहुत अच्छा से याद रहता है। सर इसको भी परिवार के साथ ही रहना था, मतलब तो उसको अलग कर दिया तो उसको पसंद नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे उसका वीपिंग है, सैडनेस है, वो सब था। फिर जैसे ही वो पढ़ाई में आगे बढ़ी तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई उसके ऊपर,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ झगड़ा वो सब भी नहीं चाहिए था, मतलब वो भी परिवार को बांधने वाली जैसी रेमेडी है, मतलब परिवार को साथ में लेके चलने वाली। और गिल्ट फीलिंग भी है इसमें, और लास्ट में उसने दो फियर भी बताए, फियर ऑफ कैंसर, फियर ऑफ डेथ। पर अभी वो आगे का केस देखा ना तो माइंड में अभी लैक लैक ही चल रहा है इसलिए अभी, पर जो पहले रेपर्टराइज किया था उस हिसाब से और हम लग रही थी, पर अभी मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि लैक लग रही, क्योंकि आगे भी लैक किया हुआ है ना तो माइंड थोड़ा उस तरफ चला जाता है। सर मुझे कार्सिनोसिन लग रही है सर, रूब्रिक बताऊं? हाँ बताइए ना सर। प्रोलॉन्ग्ड, 1 मिनट सर। एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ प्रोलॉन्ग्ड, इमोशन सप्रेस्ड, फियर डेथ ऑफ कैंसर। सर इस केस में एंट्री कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज घुमा देगा ये केस आपका। और कोई बताएगा? ये रेमेडी इतना बार आप सब पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आप लोग रेमेडी तक नहीं पहुंच पा रहे। चलो मैं बता देता हूं क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा। ये लड़की सीपिया है, हेलो भाई सब शांत क्यों हो गए? हेलो सर, सीमा मैम, सर बोलती बंद हो गई हमारी। अब आप बताओ। हाँ सर, इस केस में सबसे पहले तो ये जो लड़की है, आपने जो जिस हिसाब से इसको समझाया था ना वो इस तरीके से समझाया था, क्योंकि ये 6 बहनें थी और इतना गरीब खानदान था, और उसके बावजूद भी ये लड़की जब पढ़ने गई बाहर और वहां पे उसकी बहनें आई और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, तो ये खुद से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, जबकि इसकी बड़ी बहन ने भी कहा था कि भाई तुमको जरूरत पड़े तो तुम मुझे पैसे के लिए बोल सकते हो, लेकिन इसने बोला नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको पता तो है घर की क्या कंडीशन है, कैसे जिम्मेदारी वाली, तो ये जिम्मेदारी वाली लड़की है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली यहाँ से ये एंट्री है इस केस में। और फिर जैसे बीच बीच में जैसे इसने बोला कि गुस्सा आता है लेकिन ये गुस्सा दबा देती है, तो एलिमेंट फ्रॉम एंगर सप्रेस इसके अंदर है ही। और फिर इसने कहा कि भाई मैं उनको नहीं बोलती, वो उनको बुरा लगेगा अगर बहनों को बोलूंगी, तो ये एंजाइटी कंसाइंस था उसका। और फिर वो बोली कि बाहर आवाज जाती है अच्छा नहीं लगता, तो सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स आपने बताया कि लोग क्या कहेंगे अगर बाहर आवाज जाएगी तो। और बहनों को भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती क्योंकि क्वारलिंग अवर्जन में है, और इसके बाद में वो कुछ बोल नहीं पाती उनको, जबकि बहनें उसको यूज कर रही है एक तरह से देखा जाए तो भी, ये हर्ट हो जाती है लेकिन फिर भी ये उनको जवाब नहीं देती। तो आपने रूब्रिक लिया था आंसरिंग अनेबल टू आंसर हर्ट इमोशनली वैन, और इसको फियर पावर्टी है क्योंकि डिल्यूजन पुअर वाली मेडिसिन है ये पुअर हालात से ही गुजरी हुई लड़की है और बिल्कुल पुअर स्टेट में रहने वाली, आपने उस हिसाब से बताया था कि बिल्कुल पैथेटिक कंडीशन वाली लड़की है। फ्रिवलस की इसने इतने दिन ध्यान ही नहीं दिया कि ये कंडीशन खराब हो सकती है इसको ब्रेस्ट की, और इसमें आपने एक अफेक्टेशन एलिमेंट एम्ब्रेसमेंट और फियर ऑफ डेथ और होम सिकनेस की, वो घर से जाना नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी उसको बाहर जाके रहना पड़ा, तो ये आपने इसमें रूब्रिक्स बताए थे कुल मिला के, और ये सीखने कमाल हो, आपका मेमोरी में पूरा प्रिंट हो गया है। नहीं सर मैं देख के बोल रही हूँ, मुझे याद नहीं था वरना। अच्छा अच्छा वो देख के बोल रहे हो, अच्छा तो यहाँ पर हाँ। इस लड़की के अंदर क्या था ना कि अगर ये कैंसर हो गया तब क्या होगा, मेरा पैसे कहाँ से आएंगे, ऑपरेशन में इतना खर्चा कहाँ से आएगा, ऑलरेडी पहले से गरीब हूँ, पहले से पैसे की तंगी है,
और अगर आगे ऑपरेशन का नौबत आ गया तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो उसका सारा केस लेने के बाद जो कॉमन जो फील आया था ना सब जुड़ करके, वो पैथेटिक फील आया था। जहां से हमने जब सीपीआ दिखाया था तो सीपीआ के हमने 10-12 केसेस दिखाए थे, उसमें से एक केस इस लड़की का भी था, ठीक है? तो ये सीपीआ था। अब देखो, हमने ये केस इसलिए प्रेजेंट किया था ताकि आप लोग रेमेडी को और अच्छे से समझ सको, ठीक है? तो अभी चलते हैं। सीपीआ तो बहुत ज्यादा स्टडी हुआ है, और जिसको सीपीआ और अच्छे से समझना है तो वो पेड सेशन का वो जो सेशन हुआ है उसको आप लोग ले सकते हैं प्रवीण सर से बात करके, तो फिर आपको सीपीआर बहुत अच्छे से समझेगा। उसमें काफी बहुत ज्यादा केसेस हमने दिखाए थे और बहुत सारे वीडियो केसेस दिखाए थे, ठीक है? तो चले दामा दामा पे। सर वो मई का वेबिनार है, मैं ये इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, तो उसमें और भी मेडिसिन हैं जो बता देंगे कि भाई अगर कोई उस पेड सेशन को करना चाहे तो, कि उस सेशन में और कौन कौन सी मेडिसिन पढ़ाई गई है। वो परवीन सर ही बता सकते हैं उस टाइम, वैसे वो ग्रुप में डालते रहते हैं। तो अभी चलते हैं, ये रेमेडी डियर से रेमेडी बनी हुई है, ये हिरन से बनी हुई रेमेडी है, ये जो आपका दामा डामा है ये हिरन से रेमेडी बनी हुई है। आप देखो, मैंने पिक्चर डाला है ग्रुप में। हेलो, देखा आप लोगों ने? हाँ सर, यस सर। हाँ, तो ये इससे बनी हुई रेमेडी है। तो ये रेमेडी जो है ना बहुत एक्टिव रेमेडी है, बहुत क्रिएटिव, क्रिएटिविटी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो इस रेमेडी के अंदर हमें क्या मिलता है, जब हमने इसको कंप्लीट से स्टडी किया ना, तो इतने सारे रूब्रिक मिले इसमें जो हमें कार्सिनोसिन, सीपिया और फिर आपका कार्सी, सीपिया, लैक इक्विनम, ये सब रेमेडी आपको बहुत क्लोज रेमेडी लगेगा ये रेमेडी पढ़ने के बाद। तो इसके अंदर एक्टिविटी डिजायर फॉर क्रिएटिव एक्टिविटी है, ये बंदा जो है ना क्लाइंबिंग डिजायर रहता है इसके अंदर, जो हम सबको लगेगा कि ये बंदा बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। एम्बिशियस बहुत ज्यादा होते हैं ये जो डियर है, ये जो डामा डामा है, ये बहुत क्रिएटिव रेमेडी है। सो इसके अंदर देखेंगे आर्टिस्टिक एबिलिटी है, क्विक टू एक्ट है, आइडियाज मेनी आइडियाज अबंडेंट है, ओके? और ये जो नेचर है इसका, ये आगे बढ़ने वाला नेचर है। जैसे हम सब लैक डेफ्लोरेटम के अंदर जब देखते हैं ना, तो लैक डेफ्लोरेटम क्या रहता है ना कि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की भावना नहीं है, वो कंटेंट रेमेडी है, बर्दाश्त करने वाली रेमेडी है। लेकिन डामा डामा आगे बढ़ने वाली रेमेडी है, ठीक है? ये क्लाइंब करने वाली रेमेडी है, इसको ऊपर उठना है, ठीक है? फैमिली को लेके चलना है और खुद को भी ऊपर उठना है, ठीक है? सो डामा डामा के बारे में सर कहते हैं कि ये अपने एम्बिशन और फैमिली, ये दोनों के बीच में ट्रैप हो जाता है। सो डिल्यूजन ट्रैप्ड की रेमेडी है ये, ठीक है? ये दोनों के बीच में कैरियर और अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेकर के ये फंस जाता है। सो ये बंदा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग फैमिली टूवर्ड में मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में मिलेगा, लव फॉर चिल्ड्रेन, लव एग्जॉल्टेड लव। देखो कैसी रेमेडी है, कितनी मस्त रेमेडी है ये, ठीक है? लव फॉर फैमिली, लव फॉर फैमिली, लव फॉर चिल्ड्रेन, लव एग्जॉल्टेड लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली टूवर्ड। कितना फैमिली वाला बंदा है, कितना प्यार है सबसे, ठीक है?
नेचर लव है इसके अंदर, तो ये सारी क्वालिटी जो है ना आपको कारसी का फील दे सकता है, ठीक है। अब हमारे पास एक रूब्रिक आता है एंजाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव लिटिल कंसर्न अबाउट ही जोन। देखो कितना सुंदर सा रूब्रिक है हमारे पास रिपर्टरी में, एंजाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव लिटिल कंसर्न अबाउट ही जोन। इसके अंदर कितनी रेमेडी है, यहां भी तीन ही रेमेडी है, कोकुलस है, डामा डामा है और ओजोन है, राइट। तीन ही रेमेडी है ना भाई, कौन सा रूब्रिक बोला आपने? एंजाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव लिटिल कंसर्न अबाउट हिज ओन। इसको खुद के बारे में जो कंसर्न रहता है ना वो बहुत थोड़ा रहता है, ये सबसे ज्यादा अपने जो इनके रिलेटिव हैं, जो इनके अपने हैं, जो इससे रिलेट करते हैं, जो एक छत के नीचे एक छत के नीचे एक सोच से आगे बढ़ने के लिए लोग जो हैं, वो सब लोगों की ये बहुत ज्यादा चिंता करता है, खुद के बारे में नहीं सोच करके उनके बारे में ज्यादा सोचता है। सो इस ये रेमेडी डामा डामा इस रूब्रिक में पड़ा हुआ है। सो यहाँ पर आप देखिएगा जो हमारा केस अभी सब कुछ आपको रिलेट होगा कि वो कैसे सबका कर रहा है, कैसे सबकी चिंता कर रहा है, खुद के बारे में नहीं सोच रहा है। हमने एक बार बोला भी उसको कि यार तू छोड़ देना, क्यों कर रहा है इतना, लेकिन नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो एंजाइटी लव्ड वंस फॉर, ठीक है, केयरफुल ऑफ रिलेटिव अबाउट, केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट। देखो कितना केयरिंग रेमेडी है, अफेक्शनेट है, ठीक है, सबके लिए करना है इसको। एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट इट, एंजाइटी फैमिली अबाउट इट, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, फियर हैपन समथिंग विल फैमिली, ठीक है। मतलब देखो फैमिली को कितना ये मानता है, कितना फैमिली के लिए प्यार है इसके दिल में, कि इसको कहीं भी फैमिली को अगर कुछ हो ना जाए, इसका मन में डर लगा रहता है कि कहीं हमारे फैमिली को कहीं कुछ नुकसान ना हो, कुछ हार्म ना हो, इतना फैमिली ओरिएंटेड बंदा है, ठीक है। सो ये रेमेडी अभी आप लोगों को अब जो है फील आ रहा होगा नेट्रम सेल्फ का, नेट्रम सेल्फ भी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग फैमिली टूवर्ड में, वो भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और फैमिली के लिए बहुत करता है, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा लव फॉर फैमिली है, अटैच स्ट्रॉन्गली है, ठीक है। तो अभी नेट्रम सेल्फ के साथ भी आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो डामा डामा है नेट्रम सेल्फ के भी बहुत करीब है, ठीक है। सो नेट्रम सेल्फ इज अ मिनरल रेमेडी, डामा डामा इज एनिमल रेमेडी। सो एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट ही, एंजाइटी फैमिली, एंजाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव लिटिल कंसर्न अबाउट हिज ओन, ठीक है, और इसको फियर हैपन समथिंग विल फैमिली, मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए। सो खुद के बारे में ये कम सोचता है और ये खुद सारा अकेले हैंडल करता है, ये डामा डामा सबको अपना समझता है, ये इसका बेसिक क्वालिटी है, ठीक है। अब देखेंगे डामा डामा के अंदर हमें क्या मिलता है, ये बंदा प्योरिटी डिजायर वाला है, ये अपना जो ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ते में सच्चाई चाहता है, ये रिश्ते में जो लोग ऐसे लोग हैं जो मास्क लगाए रहते हैं, खास करके ऐसे रिश्ते जो हिपोक्रेटिक टाइप के लोग हैं, ठीक है, जो करने के कुछ और कहने के कुछ, वैसे लोगों से इसको बहुत ज्यादा एवर्जन रहता है। सो आप देखेंगे ये रेमेडी बहुत ऑनेस्ट रेमेडी है, बहुत ज्यादा ट्रूथ टेलिंग प्लेन ट्रूथ वाली रेमेडी है, इमोशनली वल्नरेबल है, और सबसे बड़ी चीज तब होती है कि इसको हिपोक्रेसी एवर्जन है, इसको डर्टीनेस एवर्जन है। सो इसके जो रिश्ते मिलते हैं ना उसी तरह मिलते हैं, हिपोक्रेटिक लोग मिलते हैं। सो इसको ये चीज पसंद नहीं आता है। सो इसका इसका बेसिक जो क्वालिटी है ना,
इसका जो बेसिक क्वालिटी है कि ये बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फर्म होता है, ये बहुत ज्यादा अपने आप में एक पावर फील करने वाले लोग होते हैं, ये एनर्जेटिक लोग होते हैं ये, ठीक है, बहुत दम होता है इसके अंदर। और इसके अंदर देखेंगे तो जब ये जो लोग रहते हैं ना, जब इसका लोग फायदा उठाते हैं और जब जरूरत पड़ता है इसको, जब लोग इसके साथ खड़ा नहीं होते तो फिर ये इंडिफरेंस के स्टेट में भी ये जाते हैं, ठीक है, इंडिफरेंस के स्टेट में भी जाते हैं। फिर ये रहेंगे तो साथ में, लेकिन वो जो प्यार है वो प्यार नहीं रहता, ठीक है। सो ये जो बंदा है आगे बढ़ जाता है फिर। सो ये भी अभी देखिएगा, हैंडल थिंग्स ओवरवेल्म्ड बाय स्ट्रेस सपोर्ट डिजायर, सपोर्ट चाहते हैं, मैं इतना अकेले लेके चल रहा हूं ना, लेकिन सपोर्ट तो करो। बैम्बूसा अभी देखो साथ में नजर आएगी कि बैम्बूसा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, लेकिन वो भी जो है अकेला कितना ढोएगा, तो वो भी सपोर्ट चाहता है। सो ये भी बहुत ज्यादा करता है करता है, और बाद में जब इससे हैंडल नहीं होता तो सपोर्ट की डिजायर होती है कि मेरे भाई भी मुझे सपोर्ट करे ताकि हम लोग इस ग्रुप को बहुत अच्छे से चला सके, अकेले मैं कितना हैंडल कर पाऊंगा। सो ये सपोर्ट की भी डिजायर करते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन जब सपोर्ट नहीं करता ना तो फॉर सेकेंड फीलिंग, डिलूजन फॉर सेकेंड फीलिंग में जाते हैं ये फैमिली वालों से झगड़ा करते हैं, क्वारलसम विद हर फैमिली, क्वारलसम विद हर फैमिली, ठीक है। और जब उसके बाद भी जब ये नहीं करते तो ये इंडिफरेंस हो जाते हैं, इंडिफरेंस इंडिफरेंस फैमिली टूवर्ड, इंडिफरेंस हाउस होल्ड मैटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन, रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉन्ट्स टू गिव अप हर, ठीक है, रेस्ट एम्ब्लोरेशन, जो कंटिन्यू भाग रहा था अब वो रेस्ट में आ गया, ठीक है। डिलूजन सेपरेटेड फ्रेंड एंड फैमिली फ्रॉम रेस्ट, क्वाइट वॉन्ट टू बी रेस्ट एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर, अब जो है बहुत कर लिया, अब मुझे शांति चाहिए। सो ये छोड़ देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एवर्जन कर देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉन्ट टू गिव अप कर देता है। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया। अब देखेंगे हमने रूब्रिक कलेक्शन करके जो चीजों को समझा है वो पूरा मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूं। ये रेमेडी देखो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन में है, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन पेरेंट्स फ्रेंड्स मदर्स मदर्स में, ठीक है। ड्रीम डेथ ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, ग्रीफ फॉर लॉन्ग लॉस्ट लव्ड वन, ठीक है। तो इसको देख लो अभी, ये सब जो रूब्रिक है ये सब रूब्रिक से आप समझ सकते हो कि ये अपने फैमिली से कितना प्यार करने वाला बंदा है, ये जो खो जाने पर ये कितना ग्रीफ में डूब रहा है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो स्टेट जा रहा है, सो ये ग्रीफ वाली रेमेडी ज्यादातर हम लोग इग्निशिया सोचते हैं। सो आप ये रूब्रिक देखिएगा, ग्रीफ फॉर लॉन्ग लॉस्ट लव्ड वन, इतना ग्रीफ भरा पड़ा है इसका, इसका लव्ड वन खोने से, ठीक है। आगे जा करके हमने देखा था तो ये एक ऐसी रेमेडी है जो बहुत ज्यादा होम सिकनेस वाली रेमेडी है, मतलब अपने फैमिली अपने ग्रुप के आसपास ही मंडराने वाली रेमेडी है, वहां से जाना ये पसंद नहीं करती। सो होम डिजायर टू गो होम, ठीक है, ड्रीम होम, होम ड्रीम चाइल्डहुड होम, होम स्टे एट होम डिजायर टू होम सिकनेस, ठीक है, होम होम सिकनेस एलिमेंट्स फ्रॉम होम सिकनेस, ठीक है, और होम सिकनेस फॉर चाइल्डहुड कंपनी डिजायर फॉर फ्रेंड्स, ठीक है, और ड्वेल्स ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीबल ऑकरेंसेंस ऑन चाइल्डहुड, ड्वेल्स इवेंट ऑन पास्ट डिसएग्रीबल लव अफेयर, ड्वेल्स ऑन
ड्वेल्स हैप्पी मूवमेंट ऑन पास्ट। सो ये सब रूब्रिक है, ये सब रूब्रिक इसलिए बता रहा हूँ, अभी देखो ड्वेल्स ऑन पास्ट हैप्पी मूवमेंट, जो पास्ट में जो अपने घर में अपने दोस्तों के साथ अपने भाइयों के साथ जो खेल खेलते थे, जो मतलब साथ में रहते थे, उन चीजों को ये याद करता है, उन चीजों में। जैसे अभी देखो ये जो स्टेट है ये कार्गो एनिमेलिस वाला स्टेट जा रहा है, सो इसमें डामा डामा भी रेमेडी आ रहा है उस स्टेट में। सो अलग अलग फेसेट हमने इसको स्टडी किया था। ठीक है, सो ये रेमेडी रिबेलियस रेमेडी है, ये रेमेडी फाइट वांट्स टू बी में है, ये फाइट करती है, क्लाइंब कर जाती है जब देखता है कि सामने वाला बंदा जो है, सामने वाला जो, तो वो आगे बढ़ता है। ठीक है, सॉरी पेशेंट आ गया है। ठीक है, सो ये आप लोग रूब्रिक देख लेना। हेलो परवीन सर, मैं पेशेंट देखता हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू करेंगे। जी सर। ठीक है, आप कैमरा ऑन कर लीजिए, आगे फिर मैं इसको बताता हूँ, अभी आप कंटिन्यू करिए। मैं इसके रूब्रिक सारे डाल दूंगा। सर कैमरा ऑन कर लेंगे। हाँ हाँ जी, बताइए किसी का कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है कोई? हेलो ये हमें पता होना चाहिए कि जो क्लोज क्लोज रेमेडीज रहती हैं उनका डीडी कैसे करना है और कौन कौन सी रेमेडीज क्लोज जाती हैं एक दूसरे की, उसकी नॉलेज हमें ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो हम कार्सिनोसिन है, सीपिया है, ऐसी ही रेमेडीज में अटके रहते हैं और तब तक हमारा पेशेंट जो है वो डॉक्टर चेंज कर लेता है। तो ये होनी भी चाहिए आपके पास। बताइए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज। सर वही आप बोल रहे हैं, वही दिमाग में चल रहा है कि इन सबको डीडी कैसे किया जाए, मतलब इनके रिएक्शन से, क्योंकि सर ने जो सारे रूब्रिक बताए ना, सारी मेडिसिन अंदर अंदर आ रही, थोड़ी देर हमको सीपिया लग रही है, कार्सिनोजेनम लग रही है, कार्गो एनिमल्स से भी थोड़ी शेड आ रहे हैं, तो मैम उसके लिए रूब्रिक्स रहते हैं ना, उसके लिए रूब्रिक्स रहते हैं, उस मेडी के रूब्रिक पढ़िए। सारिका बहन, परवीन सर एक मिनट, सारिका बहन हमने जो है ना अलग अलग स्टेट बताए हैं, सो अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेमेडी डीडी वहीं पर होगा, कार्बो एनिमेलिस का पूरा पिक्चर या नहीं मिल रहा है, उनका एक स्टेट से मैच कर रहा है, सो आपको वहां पर वो स्टेट से अलग करना होगा। ठीक है, इसके अंदर आपको बेम्बूसा का स्टेट दिख रहा है, इसके अंदर आपको नेट्रम सल्फ का स्टेट दिख रहा है, इसके अंदर आपको कार्सी का स्टेट दिख रहा है, तो जैसा जो स्टेट आएगा वहां पर आपको उस स्टेट से डीडी करना होगा, तो फिर आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और बताइए, थोड़ी सी डिटेल ये दामा दामा की मेरे पास भी है, जब तक रंजीत सर आते हैं तब तक मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ इसकी। हाँ हाँ जी। तो हाँ,
जैसा कि सर ने, सर के केस में अपन लोगों ने देखा कि ये जो बंदा है ये अपने भाइयों को और इनको सबको एक जगह इकट्ठा रखने के लिए कोशिश कर रहा है, इसकी इतनी इनकम भी नहीं है और फिर भी ये चाहता है कि एंजॉय की मनी है इसको सब। लेकिन ये रूब्रिक मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि पैसे की इसको इतनी चिंता है और इसके भाई सब अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन इसका मेन जो कंसर्न है ना वो मेन यही है कि ये चाहता है कि पूरा फैमिली जो है वो किसी भी तरीके से सब इकट्ठे रहे। तो इस जो रेमेडी है, इस रेमेडी की जो मेन विशेषता है ना वो यही है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा है और ग्रुप को एक इकट्ठा करके रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बंदा है ये। और इस दामा दामा जो एनिमल है, इसका जो नेचर है पर्टिकुलरली वो ग्रुप को और फैमिली को कंप्लीट रखना है और इकट्ठा करके रखना है। तो उसको जैसे बुनते हैं ना अपन, ऐसे सबको एक दूसरे के साथ बुन करके जोड़ करके इकट्ठा करने की कोशिश में ये लगा रहता है। और इसके अंदर जो विशेषताएं बताई गई हैं इसमें, जैसे एक तो सर ने बताया था कि ये क्रिएटिव पर्सन होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, मैटरनलिस्टिक वाला बंदा होता है ये, और ग्रुप में रहने वाला है और ग्रुप के लिए ही सब कुछ करने वाला बंदा है। तो इसमें जो रूब्रिक सर ने बताया है उसको एक बार मैं फिर से रिवाइज करती हूँ। एक तो एक्टिविटी डिजायर, एक्टिविटी क्रिएटिव, लव फॉर फैमिली, लव फॉर चिल्ड्रन, लव फॉर नेचर, लव फॉर एनिमल, लव फॉर हस्बैंड, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट, रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स फैमिली, सेंटिमेंटल फैमिली टुवर्ड्स कंपनी, डिजायर फॉर फैमिली। और इसके अलावा इसके अंदर जो मिलता है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, और इसका जो नेचर है वो एंग्शियस रहता है कि भाई किसी भी तरीके से ये जाए नहीं। मतलब कुल मिला के आप ये देखो, मैमल का जो मेन करेक्टर इस मेडिसिन के अंदर आ रहा है वो पूरे ग्रुप को इकट्ठा करना और उसको इकट्ठा करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना, ये इसकी मेन जो है वो इसकी सोच रहती है इस रेमेडी की। और एंग्जाइटी अदर्स फॉर, लव्ड वंस फॉर, केयर्स वरीज फुल ऑफ अदर्स फॉर, केयर्स वरीज नेचर फॉर एनिमल प्लांट्स एक्सेट्रा, केयर्स वरीज रिलेटिव्स अबाउट। तो फुल ऑफ एनर्जी और लव वाला बंदा होता है ये स्पेशली घर के अंदर। अभी जैसे सर के केस में भी पूरे घर में इतने जने होने के बावजूद भी इस बंदे की एनर्जी और इसका जो लव है घर के प्रति वो देखने लायक था। इसके अलावा इस और रूब्रिक जो इसमें बताए गए हैं वो है कुकिंग डिजायर। तो पेशेंट कई बार ऐसा भी कहते हैं कि मेरा पैशन है कुकिंग, और ड्रीम प्रिपेयरिंग फूड, मतलब इसको ऐसा सपने भी आते हैं कि भाई मैं जैसे खाना बना रहा हूँ। डांस डिजायर टू, सबके लिए नाचता है ये, मतलब परिवार के लिए सबको इकट्ठा रखना है तो नेचुरल सी बात है आपको उनकी अलग अलग ट्यून पर डांस करना पड़ेगा। तो ये इसमें एक रूब्रिक और है। ये जो मैमल्स होते हैं ना, मैमल्स में कनिंगनेस नहीं होती है, ये पीठ पीछे बात नहीं करते, जो बोलेंगे डायरेक्टली बोल देंगे और दूसरे को भी कहेंगे कि आपने जो बात करनी है डायरेक्टली कीजिए, ठीक है। तो ग्रुप के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है, एग्जिट नहीं करते हैं ये, इसलिए ग्रुप के साथ बने रहना चाहते हैं। लेकिन जब हमने ग्रुप के साथ बने रहना होता है तो वहां पर हमें सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। किस चीज का सेक्रीफाइस करना पड़ता है? अपनी डिजायर्स का। जैसे अभी हम IHF ग्रुप को रन करते हैं,
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पर, ग्रुप हो जाता है, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं। तो सबका पार्टिसिपेशन होता है और जो जिस काम को कर सकता है वही काम उसे दिया जाता है, क्योंकि एक हायरार्की रहती है, वो एस्टेब्लिश हो जाती है, फिर जो जिसकी जो योग्यता होती है उसके अकॉर्डिंग उसको काम मिलता है। फिर यहाँ पर आकर क्या रहता है कि जो पर्सनल डिजायर रहती है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ग्रुप की भलाई के लिए काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सर्वाइवल है वो ग्रुप में ही पॉसिबल है, जो सिक्योरिटी है, जो प्रोटेक्शन है वो ग्रुप में ही मिल सकती है, कहीं और नहीं मिल सकती। और एक तो दूसरी बात है, जो जो भी एनिमल्स रेमेडीज रहती हैं वो अपने आसपास के लोगों की बात बहुत करेंगे। ठीक है, और क्या आता है इसमें, अपनी फ्रीडम को भी सबमिट करना पड़ता है। हाँ सर, ये जो दवाई मेडिसिन बताई है ना सर, ये किसमें, कौन सी रेपर्टरी में ये मिल नहीं पा रही है तो? सर कंप्लीट में मिलेगी आपको। कंप्लीट में तो अच्छा, कंप्लीट ही देख रहा था, इसमें हो सकता नए दूसरे एडिशन। दमा दमा सर, डी ए एम ए, डी ए एम ए, डी ए एम ए, इसमें कोई ऐसा कोई रूब्रिक नहीं मिल पा रहा उसमें, इसलिए बोल रहा। फिर आपका ओल्ड वर्जन होगा सर, जो लेटेस्ट वर्जन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। अगर नहीं है तो उसका लिंक ग्रुप में डाल देंगे, आप वहां से इसको। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन सर फ्री वर्जन जो होते हैं ना कंप्लीट के, उनमें आप हर मेडिसिन को खोल नहीं सकते, तो फ्री वर्जन आप चाहे कितना भी लेटेस्ट ले लीजिए, उसमें जैसे ये रेयर मेडिसिन है ना तो शायद ओपन नहीं होगी, उसमें निकाल नहीं सकते उनके रूब्रिक्स को कलेक्ट करके। पेड वर्जन में ये फैसिलिटी है। फिर भी मैम काफी सारी मिल जाती हैं। हाँ सर, उसमें से मैं भी ट्राई करती हूँ, मेरे पास भी एक्चुअली फ्री है, लेकिन अब तो वो करप्ट सा ही हो गया है। नहीं, मेरे में, मेरे पास जो फ्री है उसमें खुल रही है डमा डमा। सर तो लिंक आपकी का, आपको, हाँ, आपकी सर, का लिंक भेज दीजिएगा सर। जी, इसमें ये 399 रूब्रिक्स दिखा रही है। चरणदीप मैम ने भेजा था, ये चरणदीप मैम के पास भी है। सर लिंक भेज दीजिए इसका कंप्लीट का। हाँ सर, बाद में भेज देंगे ये। ओके सर, बीसी के बाद। ठीक, ये मोबाइल में होगा कि लैपटॉप में करना पड़ेगा? ये मेरे पास जो है वो लैपटॉप का है मैम, मोबाइल का नहीं है, मोबाइल का। ओके, थैंक यू आर डी सर। लिंक आ गए हैं ग्रुप में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि
अगर आप थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करें ना, तो ये बहुत क्लियरली बात करके पता चल जाता है कि सामने वाला व्यक्ति प्लांट रेमेडी है, एनिमल है या मिनरल है। बताइए, कोई क्वेरी है किसी का, कोई क्वेश्चन है? और सर फ्री वर्जन के अंदर जब डामा स्पेस डी लगाते हैं तभी आती है, डामा डामा कंप्लीट लिखने से नहीं आ रहा। जी जी, वो आप जब सर्च करते हैं तब डालेंगे, तो ध्यान से डालिए। बहुत बढ़िया रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत सारी रेमेडीज के बहुत क्लोज जाती है, जैसे हमारे रंजीत सर बता ही रहे थे। ठीक है, अथॉरिटी रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट समवन, ऑडेसिटी, बहुत ज्यादा केयरिंग है, cares worries full of nature for animals and plants etc, others about, relatives about, change desire for, हेलो सर। हाँ, कार्सिनोसिन जो है ना, कार्सिनोसिन को क्या अप्रिसिएशन चाहिए, और कार्सिनोसिन डिस्ट्रक्टिव रेमेडी है, इसके लिए कार्सिनोसिन का जो रूब्रिक है ना, डेल्यूजन अप्रिसिएटेड नॉट, और कार्सिनोसिन भी लव फॉर फैमिली में रहता है, और नेट्रम सेल्फ भी लव फॉर फैमिली में है, लेकिन कार्सिनोसिन नेट्रम सेल्फ ये देखो डिक्टेटोरियल रूब्रिक में भी है, और नेट्रम सेल्फ का मेन थीम रहता है बाद में वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ना, तो ओरम के जैसा सुसाइडल डिस्पोजिशन में चले जाते हैं, लेकिन ओरम जो है सुसाइड कर लेता है, जब इन नेट्रम सेल्फ है ना वो सुसाइड नहीं करता है, कि उसको याद आती कि नहीं बच्चे लोग हैं मेरे, तो मैं कैसे सुसाइड करूं, तो अपने आप को वो रिस्ट्रेन कर लेता है। तो कार्सिनोसिन नेट्रम सेल्फ डामाडी मुझे लगता है कि ये एंगल से थोड़ा डिफर हो जाते हैं, कार्सिनोसिन को मेन अप्रिसिएशन चाहिए, डामाडी या जो लेक डिफ्लोरिटन उसमें ऐसा कोई फीलिंग नहीं रहता, अप्रिसिएशन वाली फीलिंग नहीं रहती। जी सर, थैंक यू सर। और नेट्रम सेल्फ का मैं बता देता हूँ, एक मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, तो उनका ही एक केस बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा नेट्रम सेल्फ की जो जर्नी कैसे रहती है। उसमें एक वो लड़की का केस था, तो उसके पेट में बहुत एक्सट्रीमली पेन होता था, इतना पेन होता था कि ट्रैंकुलाइजर वगैरह जो भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उससे उसको कोई आराम भी नहीं आता था। तो जहाँ पर वो ट्रीटमेंट के लिए गई, वहाँ कोई काम करते होंगे उस हॉस्पिटल में, वो मोहंती सर के पास पेशेंट भेजते रहते थे, तो उन्होंने देखा कि गरीब घर की लड़की है, तो मोहंती सर के पास भेजा, तो मोहंती सर ने केस लिया, केस लेके उसे स्ट्रामोनियम दिया और उसका पेट दर्द ठीक हो गया, और पेशेंट बहुत खुश थी कि जो मेरा दर्द एलोपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा था वो होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो गया। लेकिन सर सेटिस्फाइड नहीं थे, सर को लगा कि नहीं, चाहे इसका पेन ठीक हो गया है लेकिन जिस डायनामिक लेवल पर जाकर हमारी रेमेडी काम करती है उस तरह से वो रिजल्ट नहीं। तो सर ने बातचीत करके और डिटेल में सर गए, फिर पता चला कि ये जो पेशेंट है ये तीन बहनें हैं और एक इनका भाई है, और पहले माता पिता भी जीवित थे,
तो जब इसका जो ब्रदर था, ब्रदर के साथ इसकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी, लेकिन ब्रदर शादी के बाद घर से अलग हो जाता है, तो ये पेशेंट इतने डिप्रेशन में जाती है कि सुसाइडल हो जाती है। तो उस दौरान उसको ट्रैंकुलाइजर के ऊपर ही रखा जाता, जैसे ही उसे होश आता था उसे फिर से ट्रैंकुलाइजर दे दिया जाता। तो उसकी मदर जो है उसके, इस दौरान उसके फादर की डेथ हो जाती है, उनको भी कोई बहुत बड़ी सीरियस बीमारी थी, और इसकी मदर भी बीमार थी, और लेकिन इसकी मदर बहुत केयर करती है इसकी, हर जगह इसके ट्रीटमेंट के लिए जाती है, जहां भी उसे पता चलता जहाँ बताया जाता, जो झाड़ फूंक करने वाले लोग रहते हैं ठीक है उनके पास भी वो लेके गई। इसकी मदर कंटिन्यूअसली इसका ट्रीटमेंट करवाती रही, लेकिन वो खुद का ध्यान रखना इस दौरान भूल गई और उसकी भी डेथ हो जाती है। उसको किडनी की पता नहीं क्या ऐसी प्रॉब्लम, याद नहीं आ रहा प्रॉपरली, तो मदर की भी डेथ हो जाती है। जैसे ही मदर की डेथ होती है, ये लड़की डिप्रेशन से बाहर आ जाती है, और अपनी सिस्टर, जो दोनों सिस्टर्स हैं, उनकी देखभाल करना स्टार्ट कर देती है। वो दोनों बहनें कमाने के लिए जॉब पर जाती हैं, ये घर का सब देखती है, घर का सारा काम ये खुद करती है। तो सर ने उसे नेट्रम सल्फ दिया। तो अब केस ऐसा था, ये सर के माइंड में भी था, लेकिन इसका फॉलोअप नहीं आया। तो सर जिस व्यक्ति ने उसे रेफर किया था उसको कॉल करके पूछते हैं, तो वो बताते हैं कि उसकी तो मैरिज भी हो गई, अभी जस्ट कुछ ही दिन हुए हैं, क्योंकि वो जो चूड़ा रहता है वो उसके हाथों में था, जो फॉलो अप वीडियो था। तो सर ने कहा कि आप मुझे एक बार उसका वीडियो बनाकर भेजिए छोटा सा। तो सिमिली मम के बाद जो चेंज आना चाहिए वो फिर नेट्रम सल्फ के बाद आया, कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है और मैरिज कर लेती है। तो ये सर की बहुत एक खासियत है बहुत बड़ी, कि पेशेंट को रिलीफ आ जाने के बाद भी, पेशेंट के खुश होने के बाद भी, सर ने इस चीज को पकड़ लिया कि नहीं, ये जो रिलीफ आया है सिमिलीमम वाला रिलीफ नहीं। तो सर दोबारा से केस टेकिंग करके उसको नेट्रम सलफ देते, फिर उसकी लाइफ में वो चेंज आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, वो अपनी बहनों को लेकर ठीक है अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही। तो ये हमने हमारे पटियाला में सेमिनार करवाया था सर का, वहां पर सर ने हमें नेट्रम सलफ पढ़ाया। थैंक यू सर, थैंक यू। जी तो डीडी कैसे करेंगे इस सेपिया के केस में और नेट्रम सल्फ के केस में, आपके मोहन सर के केस में? सीपिया आप क्या है ना कि मैम, एक तो आप लोग रेमेडीज के जो रूब्रिक रहते हैं उनको पढ़िए, ठीक है उनको पढ़िए, जो सिंगुलर उनके रूब्रिक्स हैं, जिसमें रेमेडीज बहुत कम है उनको पढ़िए। ये जो सिंगुलर वाले रूब्रिक हैं यही डीडी में काम आते हैं, और एक जर्नी रहता है, जैसे सीपिया इंडिफरेंट में जाती है, इंडिफरेंट हो जाती है। यहां पर क्या हुआ नेट्रम सल्फ में, वो उस स्टेट से निकल गई और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया उसने अपनी बहन का। इग्नेशिया डिसकंसर्टेड में चली जाती है। ठीक है, वो फिर एफर्ट करना ही छोड़ देती है।
कार्सिनोसिन के बारे में अभी दिलीप जानी सर ने बहुत अच्छे से बताया। अभी उन्होंने सेशन एक बीसी भी लिया था, केस भी प्रेजेंट किया था उस बच्ची का। तो जो सिंगुलर रूब्रिक्स हैं वो ही हमें डीडी में हेल्प करते हैं। एक व्हाई एंड हाउ, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। पेशेंट का प्रेजेंटेशन कैसा है, वो कैसे आया है, कैसे बैठा है, कैसे बोल रहा है, ये सब चीजें इम्पोर्टेंट रहती हैं। ऑपोजिट पोलैरिटी में लैंड होता है जब कोई भी डिजीज्ड स्टेट में जाता है। तो जैसे किसी के लिए बिजनेस ही इम्पोर्टेंट है, तो वो जो बिजनेस बॉर्न आउट उसमें जाएगा, जब बिजनेस अवर्जन में जाएगा, पहले बिजनेस डिजायर में रहता है, फिर जब वो डिजीज स्टेट में लैंड करता है तो बिजनेस अवर्जन में जाता है। जैसे मैंने कल का मेरा सल्फर का केस जो शेयर किया था, ठीक है, क्या है कि उसमें पहले बहुत भागदौड़ लगी रहती थी, किस चीज को लेके लगी रहती थी, अपने काम को लेके लगी रहती थी, ठीक है, एक हरी हरीड फीलिंग में रहता था वो अपने काम को लेके। तो अब क्या स्टेट आया उसका कि बैठे रहो, लेटे रहो, छोड़ो काम मत करो। तो मतलब जस्ट ऑपोजिट स्टेट आती है जब डिजीज कंडीशन में पेशेंट लैंड करता है। तो बहुत टाइम हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब हमें बाइंड अप करना चाहिए, वरना ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर ये देखने में भी दिक्कत आएगी आप लोगों की। तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर, हमें ज्वाइन करने के लिए सर का बहुत बहुत आभार। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर रंजीत आर्या सर फॉर ए वंडरफुल केस ऑफ दमादमा, और जो क्लोज रेमेडीज हैं उनका डीडी करने के लिए। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर IHF फैमिली, आपकी सपोर्ट के लिए, आपके पार्टिसिपेशन के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जिन लोगों ने हमारे पेड सेशन के लिए ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज रजिस्टर कीजिए हमारे ऑनलाइन जो सेशंस हैं, पेड सेशंस हैं, ऑलरेडी जो हो चुके हैं उनके लिए भी आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को हमारे पेड सेशंस को भी ज्वाइन करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज के हमारे इस सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सर, वेलकम मैम।